नमस्कार दोस्तों, डिफेंशियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारतीय डीआरडीओ ने एक ऐसा खूंखार हथियार बनाकर तैयार कर दिया है जिसके हमला करते ही दुश्मनों पर काल बरसने वाला है। और इस हथियार के बनते ही अमेरिका भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो कौन सा है ये हथियार और क्या है इसकी खासियत, इन सारी बातों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल ही में बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई थी जिसमें कि भारत ने अमेरिका को बहुत कड़ा झटका दिया था और भारत ने अमेरिका से ले रहे 30 प्रीडेटर ड्रोन्स की डील को कैंसिल कर दिया था। और इस डील से अमेरिका को $3 बिलियन का नुकसान हो रहा था और साथ ही अमेरिका भारत के साथ इन प्रीडेटर ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी को भी शेयर नहीं करने वाला था। लेकिन दोस्तों, भारत के सामने चुनौती ये है कि भारत के सामने चीन और पाकिस्तान बैठे हैं और हर समय भारत को टू फ्रंट वॉर का खतरा बना रहता है और इसी कारण की वजह से अब ये डील कंप्लीट होने जा रही है। और कल ही मैंने आपको बताया था कि भारत अमेरिका की हरकतों से तंग आकर 13 MK-45 टैंकों की डील को भी कैंसिल कर दिया है, क्योंकि जितनी कीमत में अमेरिका इन टैंकों को भारत को दे रहा था उतनी कीमत में तो भारत में इससे कई ज्यादा टैंक बनाए जा सकते हैं। और साथ ही इस डील को कैंसिल करने की वजह से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को और बढ़ावा दिया जा रहा है। जी हां दोस्तों, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत ने एक और खतरनाक ड्रोन बनाकर तैयार कर दिया है और ये भारत का पहला अटैकिंग ड्रोन है जो दुश्मनों पर काल बनकर बरसेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत के स्वदेशी रुस्तम 2 को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है, क्योंकि भारतीय डीआरडीओ द्वारा डिजाइन रुस्तम 2 ने 27,500 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटों तक लगातार उड़ान भरी। और दोस्तों, भारतीय सैनिकों के साथ ही साथ भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस खुशखबरी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसी के साथ ही साथ दोस्तों, पिछले साल भी रुस्तम 2 ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर 8 घंटों तक लगातार उड़ान भरी थी और तब से लेकर लगातार इसे अपग्रेड किया जा रहा है। साथ ही इसको और बेहतर बनाए जाने के लिए भारतीय डीआरडीओ लगातार इस पर काम कर रहा है। और इसी के साथ ही साथ दोस्तों, भारत ने अमेरिका को एक बड़ा तमाचा मारा है और बताया है कि अगर आप हमें हथियारों की टेक्नोलॉजी नहीं दोगे तो हम खुद उस हथियार को बनाकर दुनिया को दिखा देंगे और दुनिया को बता देंगे कि भारत भी किसी से कम नहीं है। और दोस्तों, बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद रुस्तम 2 में हथियार लगाकर इसका फायर टेस्ट भी किया जाएगा, जिसके तुरंत बाद इसे वायुसेना, थल सेना और जल सेना को सौंप दिया जाएगा। और वहीं अगर हम रुस्तम 2 की ताकत की बात करें तो रुस्तम 2 एक बार में करीब 1,000 किलोमीटर का हवाई सफर कर सकता है और 224 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ान तो भर ही सकता है। साथ ही रुस्तम 2 कई तरह के पेलोड ले जाने में भी सक्षम है और इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि रुस्तम 2 उड़ान के दौरान बहुत कम आवाज करता है, जिसकी वजह से दुश्मनों की नजर में आए बिना उनके ठिकानों की जासूसी और उन पर हमला कर सकता है। वैसे आपका क्या सोचना है भारतीय रुस्तम 2 ड्रोन के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।